क्या पूरब क्या पश्चिम सूख रहा पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरब क्या पश्चिम सूख रहा पूरा मध्य प्रदेश। अब देर न करो मामा जी जल्दी दो राहत का आदेश, मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सारी बातें बाद में करेंगे, अभी किसान भाइयों के लिए जो एक सोयाबीन का नया गीत आया है वह आप सुन लीजिए और बाद में पूरी बात हम करते हैं, तो आइए सुनते हैं। मेरी प्यारी सोयाबीन मेरी प्यारी सोयाबीन, पानी बिल्कुल रही है बारिश हुए हो गए इससे 35 दिन, मेरी प्यारी सोयाबीन मेरी प्यारी सोयाबीन। सूख गई तू तो किसान क्या करेगा, अपने बच्चों की फीस और कर्जा कैसे भरेगा। मेरी प्यारी सोयाबीन मेरी प्यारी सोयाबीन मेरी प्यारी सोयाबीन। अपनी मेहनत बचाने के लिए कोई चला रहा फुहार, अब जिसकी सूख गई वो है मामा के आगे लगा रहा गुहार। अगर बनना है फिर से मामा तुमको राजकुमार, तो तुम सुन लेना किसानों की ये पुकार। मेरी लाडली सोयाबीन मेरी लाडली सोयाबीन, दिन पर दिन सूख रही सोयाबीन, जीजा जी हो रहे बीमार। लाडली बहनों के पैसे डल गए हो हजार, तो मामा तुम जीजा जी के भी ले लेना समीचार। मेरी प्यारी सोयाबीन मेरी प्यारी सोयाबीन। किसान है परेशान तुम पटवारी को जल्दी काम लगाओ, फसलें सूख रही हैं तुम उनका जल्दी सर्वे करवाओ। मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन, हुआ नुकसान भारी अब तुम देर ना लगाओ। आचार संहिता के पहले तुम मुआवजा की राशि डलाओ। मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन मेरी लाडली सोयाबीन मेरी लाडली सोयाबीन। सूख रही सोयाबीन, किसान मर रहा बेचारा, मामा जी 23 में अगर आना हो दोबारा, तो बीमा का पैसा डलवा कर किसानों का बन जाना सहारा। मेरी प्यारी सोयाबीन मेरी लाडली सोयाबीन मेरी प्यारी सोयाबीन। क्या पूरब क्या पश्चिम सूख रहा पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरब क्या पश्चिम सूख रहा पूरा मध्य प्रदेश। अब देर न करो मामा जी जल्दी दो राहत का आदेश, मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। बहुत बार किसानों ने अपने दम पर सरकार हिलाई, विदेशी सरकारों को वापिस उसकी कुर्सी दिलाई। मामा जी आपकी इसी में है भलाई, कि आप जल्दी से कर दो किसानों की दुगनी कमाई। मेरे जवान कराओगे जगत में आपका पसंदीदा चैनल संगीत सीखने वालों के लिए अनमोल तोहफा। लाडली सोयाबीन मेरी लाडली सोयाबीन, 4 रुपए डाल कर बहनों का दिल तुमने है जीता, पर 23 में आना है तो कुछ करने होंगे जमाई। मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन।
पांच साल हो गए उत्पादन आ रहा दो और तीन, इस बार पक जाना सोयाबीन नहीं तो किसान हो जाएगा दीनहीन मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे लाडले सोयाबीन। घर पड़ा है गिरवी और गिरवी पड़ी है जमीन, घर पड़ा है गिरवी और गिरवी पड़ी है जमीन, किस्ते समय पर नहीं भरी तो बिक जाएगी जमीन मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे लाडले सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। खेत सूख गए बिल्कुल उसमें अब नहीं है नमी, कुएं में भी पानी नहीं है पूरी तरह से है कमी मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे लाडले सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। सुनो मामा जी नरेंद्र पोरवाल किसानों का दर्द है कहता, कुर्सी कर लो मजबूत नहीं तो लग जाएगी आचार संहिता मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे लाडले सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। बड़े दुखी मन से मैं सोयाबीन का भविष्य बताऊं, उत्पादन तो नहीं आएगा सीजन पर भाव रह जाएंगे तीन मेरे प्यारे सोयाबीन मेरे लाडले सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। किसान साथियों अभी अधिकतर क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश के हैं उनमें सोयाबीन सूखने की कगार पर आ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है मशक्कत का सामना किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। कोई किसान भाई के पास अगर पानी है तो वो सिंचाई कर रहा है पर सिंचाई से सोयाबीन नहीं हो पाती है, उसमें नुकसान ही होता है क्योंकि एक बारिश जो हमारी प्रकृति द्वारा की जाती है और एक हम जो है कुएँ के पानी से या ट्यूबवेल के पानी से करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा, पर सोयाबीन कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। पर वो पानी भी किसान भाइयों को अभी नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि कुएँ भरा ही नहीं थे, ऊपर से जो लाइट है उसमें लोड शेडिंग का काम अभी चल चुका है तो उसके कारण भी किसान भाई अपनी जो मनसा है सोयाबीन को पिलाने की उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। तो बारिश की पूर्ति कोई नहीं कर सकता है, सोयाबीन में नुकसान हो चुका है, सरकार को इस पर सुनना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी तत्काल राहत देने की सरकार कोशिश करे। हम भी सरकार के साथ हैं, सरकार किसानों का भला करती है तो किसान भी सरकार के साथ खड़ा रहेगा। किसान को न तो किसी पार्टी से मतलब है न किसी नेता से मतलब है, उसकी जो सुनेगा उसकी किसान सुनेगा, इसी मुद्दे पर किसान रहता है और किसान जो है वो कभी भी राजनीति नहीं करता है। तो सरकार को फिर से मैं सूचित कर दूं कि वह किसानों की जल्दी मदद करे ताकि आगे वाले चुनाव में आपको भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और किसान भी खुशहाल रहे और देश भी खुशहाल रहे। जय हिंद जय भारत। तो नमस्कार किसान साथियों, एक छोटे से किसान द्वारा जो अपने दिल का दर्द है वह कविता या जो आप कुछ भी इसे समझ सकते हो उसके माध्यम से मैंने अभी की फिलहाल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ हम कोई भी कुछ नहीं कह रहे हैं, यह सिर्फ किसानों के दिल की आवाज़ है और सरकार को सजग करने के लिए या सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का तरीका है। सरकार इसे सुनती है, समझती है और किसानों की मदद अगर करती है तो वह भी फायदे में रहेगी, किसान भी फायदे में रहेगा और सब जो है हमारा देश पूरा फायदे में रहेगा। तो किसान साथियों यह था छोटा सा प्रयास, आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर करें ताकि वह भी जो है इसे समझ सके और सरकार तक पहुँचाने में इसे हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल करें। किसान साथियों जैसा कि आप सभी हमारे वीडियो वायरल करते हो इसे भी वायरल करने की कोशिश करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और किसानों से मुद्दे आप हमेशा जल्दी से जल्दी अगर प्राप्त करना चाहते हो, एक्टिव रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन घंटी का जो है वह दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको, यह सोयाबीन का नया गीत कैसा लगा कमेंट जरूर करें और किसान साथियों आपके कोई विचार हो और भी कोई आपकी दुविधा हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह कमेंट जरूर करें जिससे हम आपके विचार हैं वह
लगभग सभी किसान भाइयों तक सरकार तक पहुंचा सकेंगे और आपके कोई सवाल होंगे तो उनके भी हम जवाब जरूर देंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखा है तो जय जवान जय किसान या जय हिंद कमेंट जरूर करें और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।